आज हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट ऑफ इक्टोपिक प्रेगनेंसी। देखिए इक्टोपिक प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो डिफिनेशन है, इटियोलॉजी है, डायग्नोसिस है या फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, ये सब हम अपने जो इक्टोपिक प्रेगनेंसी है उसके फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक इक्टोपिक प्रेगनेंसी का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा हुआ है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पे हम पार्ट टू पढ़ने जा रहे हैं इक्टोपिक प्रेगनेंसी का, जिसमें हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हम पढ़ेंगे जो भी सर्जिकल मैनेजमेंट होता है, मेडिकल मैनेजमेंट होता है, साथ ही जो नर्सिंग मैनेजमेंट होता है। नर्सिंग मैनेजमेंट में जो प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट होता है एंड पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट होता है, इन सबको हम यहाँ डिटेल से पढ़ेंगे। मैनेजमेंट ऑफ इक्टोपिक प्रेगनेंसी को हम मेनली टू टाइप से करते हैं। इसमें फर्स्ट है अनरप्चर्ड ट्यूबल प्रेगनेंसी, मींस जो ट्यूबल प्रेगनेंसी है अगर वो अनरप्चर्ड है तो उस समय हम उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। एंड सेकेंड है रप्चर्ड ट्यूबल प्रेगनेंसी, मीन्स यदि जो ट्यूबल प्रेगनेंसी है वो रप्चर हो चुकी है तो उस समय उसका मेडिकल उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो इन दोनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अनरप्चर ट्यूबल प्रेगनेंसी में जो मैनेजमेंट यूज करते हैं वो है कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट को मेनली टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है मेडिकल कंजर्वेटिव मैनेजमेंट एंड सेकेंड है सर्जिकल कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। जब भी हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करते हैं तो उस समय हम जो कंसेप्शन का प्रोडक्ट होता है उसके साइज को मेजर करने के बाद ही हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में दो कंडीशन रखी जाती है, एक मेडिकल कंजर्वेटिव और सर्जिकल कंजर्वेटिव। तो कब हम मेडिकल कंजर्वेटिव मेथड यूज करेंगे और कब हम सर्जिकल कंजर्वेटिव मेथड यूज करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए जब फीटस 4 सेंटीमीटर से कम हो, जो फीटस का साइज है वो 4 सेंटीमीटर से कम हो तो उस समय हम मेडिकल कंजर्वेटिव मैनेजमेंट का यूज करेंगे। और अगर कंसेप्शन का जो प्रोडक्ट है उसकी साइज से 4 सेंटीमीटर से अधिक हो तो उस समय हम सर्जिकल कंजर्वेटिव मैनेजमेंट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि अगर कंसेप्शन का मटेरियल 4 सेंटीमीटर से कम है तो मेडिकल कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, और अगर कंसेप्शन का प्रोडक्ट 4 सेंटीमीटर से अधिक है तो सर्जिकल कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। अब मेडिकल कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में हम क्या यूज करेंगे, इसमें हम मेनली जो मेडिसिन यूज करते हैं वो 3 मेडिसिन होती हैं। फर्स्ट जो मेडिसिन है उसको मोस्टली यूज किया जाता है, उसको कहते हैं फर्स्ट मेडिसिन है मेथोट्रेक्जेट। ये होती है 50 mg प्रति मीटर स्क्वायर और इसको IM देते हैं। मेथोट्रेक्जेट मेडिसिन देने का जो रूल होता है वो ये है कि जब भी मेथोट्रेक्जेट मेडिसिन हम देंगे IM तो जिस दिन हम देते हैं उसके 4th या 7th दिन फिर दोबारा हमको मेथोट्रेक्जेट की एक दूसरी खुराक देनी होती है। फर्स्ट खुराक देने के 4th या 7th दिन फिर से इतनी ही डोज जो उम्र होती है उसको दी जाती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है प्रोस्टाग्लैंडिन एंड थर्ड मेडिसिन है पोटेशियम क्लोराइड। जब भी मेडिकल कंजर्वेटिव मैनेजमेंट हम करते हैं तो मेनली इन्हीं 3 मेडिसिन्स का हम यूज करते हैं। अब देखेंगे सर्जिकल कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। फर्स्ट है सल्पिंगोस्टोमी। सल्पिंगोस्टोमी में मोस्टली करते क्या है कि जो फैलोपियन ट्यूब होती है, ये फैलोपियन ट्यूब है और फैलोपियन ट्यूब का जो ये एम्पुला वाला पार्ट है यहाँ पे कंसेप्शन का प्रोडक्ट रहता है। तो जब सल्पिंगोटोमी परफॉर्म करते हैं उस समय जो ये फैलोपियन ट्यूब का एम्पुला वाला पार्ट है और यहाँ पे कंसेप्शन का प्रोडक्ट है, यहाँ पे 10-15 mm का स्मॉल इंसीजर लगाते हैं और स्मॉल इंसीजर लगा के जो कंसेप्शन का प्रोडक्ट है उसको रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद जो इंसीजर है हम उसको बिना स्विचिंग के ऐसे ही छोड़ देते हैं और वो सेकेंडरी मेथड के थ्रू हील हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं सल्पिंगोस्टोमी। सेकेंड है सेगमेंटेशन रिसेक्शन एंड एनास्मोसिस।
क्योंकि जो सेगमेंटेशन रिसेक्शन एंड एनास्मोसिस वाला सर्जिकल प्रोसीजर होता है, इसमें जो कंसेप्शन का प्रोडक्ट होता है वो एम्पुला के अलावा इस्थमस वाले पार्ट में इम्प्लांट होता है। अगर ये फैलोपियन ट्यूब है और ये एम्पुला वाला पार्ट है, तो एम्पुला वाले पार्ट में कंसेप्शन का प्रोडक्ट इम्प्लांट ना होकर इस्थमस वाले पार्ट में इम्प्लांट होता है जब भी सेगमेंटेशन रिसेक्शन एंड एनास्मोसिस वाला प्रोसेस होता है, क्योंकि जो सेगमेंटेशन रिसेक्शन एंड एनास्मोसिस सर्जिकल प्रोसीजर होता है, इसमें हम जिस पार्ट में कंसेप्शन का प्रोडक्ट इम्प्लांट होता है उसको कट करके निकाल देते हैं, और कट करके निकालने के बाद जो फैलोपियन ट्यूब के दोनों एंडिंग वाले पार्ट होते हैं उनको एक साथ मिला के एनास्मोसिस कर देते हैं। यही सर्जिकल प्रोसीजर सेगमेंटेशन रिसेक्शन एंड एनास्मोसिस में किया जाता है। तो इसमें जो कंसेप्शन का प्रोडक्ट होता है वो एम्पुला में ना होकर इस्थमस में होता है, और यहाँ पे जो फैलोपियन ट्यूब का इस्थमस वाला पार्ट होता है इसको कट करके निकाल दिया जाता है, और जो दोनों पार्ट बचते हैं फैलोपियन ट्यूब के उनको एक साथ एनास्मोसिस किया जाता है। थर्ड है सल्फिंगेक्टोमी। जिस भी वर्ड के लास्ट में एक्टोमी लगा होता है इसका मतलब होता है कि इस पार्ट को बिल्कुल हटा देना, मीन्स यहाँ पे अगर सल्फिंग के आगे लगा हुआ है एक्टोमी, तो इसका मतलब है कि जो फैलोपियन ट्यूब होगी उसको पूरी तरह से काट करके हटा दिया जाएगा। सल्फिंग एक्टोमी जो सर्जिकल प्रोसीजर होता है, इसमें जो फैलोपियन ट्यूब होती है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है, क्योंकि जो कंसेप्शन का प्रोडक्ट होता है वो 4 सेंटीमीटर से बड़ा हो गया होता है, और वहाँ पे जो फैलोपियन ट्यूब होती है वो बहुत ज़्यादा रप्चर हो गई होती है। तो ये डिपेंड करता है जो फैलोपियन ट्यूब है उसके रप्चर्ड पे कि कितना एरिया उसका डैमेज हुआ है। अगर बहुत ज़्यादा एरिया डैमेज हुआ है तभी हम जाके जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसको पूरी तरह से रिमूव करने के लिए जो सल्फिंगेक्टोमी वाला सर्जिकल प्रोसीजर है इसको परफॉर्म करते हैं। तो देखा आपने कि जो सर्जिकल कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है इसमें हम मेनली 3 मैनेजमेंट का यूज करते हैं। फर्स्ट है सल्फिंगोस्टोमी, जिसमें स्मॉल इंसीजर के थ्रू जो प्रोडक्ट होता है कंसेप्शन का उसको रिमूव करते हैं। सेकेंड है सेगमेंटेशन एंड रिसेक्शन एंड एनास्मोसिस, इसमें जो कंसेप्शन का प्रोडक्ट होता है वो एम्पुला के अलावा जो इस्थमस वाला पार्ट होता है वहाँ भी इम्प्लांट होता है, और उसमें हम इस्थमस वाला जो पार्ट होता है उसको कट करके निकाल देते हैं और एनास्मोसिस करते हैं। थर्ड है सेल्फिंगोएक्टोमी, इसमें हम जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसको पूरी तरह से कट करके हटा देते हैं। नेक्स्ट है रप्चर्ड ट्यूबल प्रेगनेंसी। अभी तक जो हमने पढ़ा वो था अनरप्चर्ड ट्यूबल प्रेगनेंसी, और अब जो हम पढ़ रहे हैं सेकेंड टाइप्स वो है रप्चर्ड ट्यूबल प्रेगनेंसी। इसमें मेनली सर्जिकल प्रोसीजर ही परफॉर्म किया जाता है, क्योंकि इसमें जो ट्यूब होती है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी होती है, और सिर्फ ट्यूब ही नहीं जो यूट्रस के अदर पार्ट हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं। तो इसलिए हम चर ट्यूबल प्रेगनेंसी मैनेजमेंट करते हैं तो उसमें पूरी तरह से सर्जिकल मैनेजमेंट का यूज करते हैं। रप्चर ट्यूबल प्रेगनेंसी में जो पेशेंट होता है उसको इमीडिएटली एंटी शॉक ट्रीटमेंट दिया जाता है, क्योंकि जब भी रप्चर ट्यूबल प्रेगनेंसी हो जाएगी तो उसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, और ब्लीडिंग होने की वजह से मे बी जो पेशेंट होता है उसको शॉक की कंडीशन हो सकती है, इसीलिए हम एंटी शॉक ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं और उसके बाद लेप्रोटमी करते हैं। लेप्रोटमी या फिर सल्फिंगेक्टोमी करते हैं। तो जो सल्फिंगेक्टोमी वाला प्रोसीजर है इसको तो हम पढ़ चुके हैं पहले ही, जब हमने अनरप्चर्ड ट्यूबल प्रेगनेंसी पढ़ा था उस समय। अब हम इसमें मोस्टली पढ़ेंगे लेप्रोटमी के बारे में। लेप्रोटमी एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें हम मेनली जो एब्डोमिनल वाल होती है वहाँ के साइड का यूज करते हैं, मीन्स जब हम लेप्रोटमी प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं उस समय एब्डोमिनल वाल को साइड के रूप में यूज करते हैं, वहाँ पे स्मॉल इंसीजर के थ्रू लेप्रोटमी की जाती है। लेप्रोटमी में जो अफेक्टेड ट्यूब होती है, मीन्स जो फैलोपियन ट्यूब है जितनी अफेक्टेड है उतना पार्ट उसका कट करके निकाल दिया जाता है। मीन्स लेप्रोटमी करने से पहले हम ये देखते हैं कि फैलोपियन ट्यूब का कितना पार्ट अफेक्टेड है, जितना पार्ट अफेक्टेड होता है उसको कट करके निकाल दिया जाता है, और जो पार्ट अफेक्टेड नहीं है उसको कट करने के निकालने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। कभी कभी क्या होता है कि फैलोपियन ट्यूब के साथ साथ ओवरी भी अफेक्टेड हो जाती है, तो वहाँ पर ओवरी को भी कट करके निकाल दिया जाता है। लेकिन इन कंडीशन अगर फैलोपियन ट्यूब के साथ साथ ओवरी या फिर यूट्रस का सम पार्ट भी अफेक्टेड है तो उस समय हम लेप्रोटमी के थ्रू सब टोटल
हिस्टेक्टोमी करते हैं। तो देखा आपने कि जो भी रप्चर ट्यूबर प्रेगनेंसी होती है उसमें मेनली देखा जाता है कि जो ट्यूब रप्चर हुई है उसका कितना पार्ट अफेक्टेड है, जितना पार्ट अफेक्टेड होगा उतना ही पार्ट हमको रिमूव करना रहता है। अगर ज़्यादा पार्ट अफेक्टेड है तो फिर हम वहाँ पे लेप्रो जो टमी सर्जिकल प्रोसीजर है इसके थ्रू सब टोटल हिस्टेक्टोमी को परफॉर्म करते हैं, मीन्स जितना भी अफेक्टेड पार्ट है उन सभी को आउट कर देते हैं। तो ये रहा हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब हम देखेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट की, जो नर्सिंग मैनेजमेंट होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी में वो कैसे करते हैं। अब हम देखेंगे प्री ऑपरेटिव नर्सिंग मैनेजमेंट, मींस जो पेशेंट है ऑपरेशन से पहले हम उसको क्या नर्सिंग मैनेजमेंट देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो पेशेंट है उसका वाइटल साइन चेक करेंगे, कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर हो या फिर नॉन सर्जिकल प्रोसीजर हो, वाइटल साइन हर पेशेंट का लेना इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट का वाइटल साइन चेक करेंगे। वाइटल साइन में पेशेंट का टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर, ये सारी चीज़ें हम मेजर करेंगे। मेजर करने के बाद जो पेशेंट फाइल होती है उसमें नोट डाउन करेंगे। आफ्टर देन जो पेशेंट है उसका जनरल हेल्थ स्टेटस मेजर करेंगे। जो पेशेंट है उसको हम पोस्ट ऑपरेटिव एंड प्री ऑपरेटिव जो मेडिकेशन है उसके बारे में उसे समझाएंगे। जैसे अगर पेशेंट का कोई सर्जरी से पहले मेडिकेशन चल रहा है तो उसको बताना है कि सर्जरी से 6 या 8 आवर पहले ही उसको सारी मेडिकेशन बंद कर देने हैं, और जो भी वो डाइट न्यूट्रिएंट ले रही है वो भी सारे स्टॉप कर देने हैं। मीन्स उसको पूरी तरह से नींद पर ओरल रहना है, कुछ भी नहीं खाना है सर्जरी के 6 to 8 आवर पहले तक। तो ये चीज़ें उसको बतानी है। साथ ही जो पोस्ट ऑपरेटिव मेडिकेशन है उसके बारे में बता देना है पेशेंट को, जिससे जब उसकी सर्जरी परफॉर्म हो जाए तो उसके बाद वो अपने मेडिकेशन को कंटिन्यू कर सके। एंड नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो पेशेंट है उसके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करें, क्योंकि जब कोई पेशेंट हॉस्पिटल में आता है और अगर उसकी सर्जरी होनी रहती है तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं एक पेशेंट और उसकी फैमिली मेम्बर जो होते हैं उनके माइंड में। तो जितने भी उनके क्वेश्चन हैं उनको पोलाइटली क्लियरली डाउट को क्लियर करना चाहिए, उनके क्वेश्चन के आंसर को रिप्लाई करना चाहिए। और जो पेशेंट है उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना चाहिए, क्योंकि जो पेशेंट होता है वो बहुत ज़्यादा एंजियस होता है अपनी सर्जरी को लेके, और उसको जो फैमिली मेम्बर होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा एंजियस होते हैं। तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट के द्वारा उनके एंजाइटी लेवल को कम किया जाता है और पेशेंट को एक थेरापूटिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है, जिससे उसका जो एंजियस लेवल है वो थोड़ा सा कम हो और वो कंफर्टेबल फील करे। पेशेंट को हॉस्पिटल ड्रेस प्रोवाइड करेंगे। हॉस्पिटल ड्रेस के साथ साथ एक आइडेंटिफिकेशन टैग होता है जो हम पेशेंट को अटैच करेंगे उसके ड्रेसेस के साथ। उसमें जो पेशेंट होता है उसका नाम, वार्ड नंबर, पेशेंट की एज और जेंडर, ये चीज़ें लिखी होती हैं। साथ ही जो पेशेंट होता है उसका हम ब्लड सैंपल भी लेंगे। ब्लड सैंपल क्यों लेंगे, चूंकि यहाँ बात कर रहे हैं इक्टोपिक प्रेगनेंसी की, तो इक्टोपिक प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होती है। मे भी हो सकता है कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो तो पेशेंट को शॉक की कंडीशन हो जाए या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़े, तो इसके लिए हमको ब्लड सैंपलिंग करके जो पेशेंट है उसका ब्लड ग्रुप भी पता करना है, और ब्लड ग्रुप के साथ साथ जो भी हिस्टोलॉजिकल टेस्टेज होते हैं उनको भी करवाना है। तो इसके लिए हम ब्लड सैंपल कलेक्ट करेंगे, उनको लेबोरेटरी में सेंड करेंगे। आफ्टर देन जो सर्जरी परफॉर्म हो रही है उससे जो भी कॉम्प्लिकेशन होने वाले हैं उनके बारे में हम पहले से पेशेंट को बता देंगे, जिससे पेशेंट बाद में ज़्यादा परेशान ना हो, उससे ज़्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि अगर उसे पहले से ही पता रहेगा तो मेंटेन करके रखेगा। तो इसके लिए जो कॉम्प्लिकेशन है वो पहले ही पेशेंट को बता देनी चाहिए। उसके बाद पेशेंट की जो स्किन है उसको प्रिपेयर करना है, जो ऑपरेशन की साइट होती है स्किन की उसको हम प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में अगर सेल्फिंगेक्टोमी होना है या फिर लैप्रोटोमी होना है तो वहाँ पे हम एब्डोमिनल वाल का ही यूज करेंगे। मीन्स जो एब्डोमिनल वाल वाला एरिया है उसी को हम स्किन प्रिपरेशन के लिए, सर्जरी के लिए स्किन प्रिपरेशन में तैयार करेंगे। इसके बाद जो पेशेंट होता है उसका बाउल भी पूरी तरह से इम्प्टी करवाना रहता है। अगर पेशेंट एबल है तो हम उसको बोलेंगे कि वो खुद जाके अपना बाउल इम्प्टी करे, अगर वो एबल नहीं है तो फिर हम वहाँ पे एनीमा प्रोवाइड करते हैं और पेशेंट को बाउल को सर्जरी से पहले ही पूरी तरह से इम्प्टी करवाते हैं। सर्जरी से पहले जो पेशेंट होता है उसको कैथेटराइजेशन भी उसका करते हैं, क्योंकि सर्जरी के बाद पेशेंट एबल नहीं होगा कि वो वाइडिंग के लिए जा सके, तो इसलिए कैथेटराइजेशन करना जरूरी होता है। इन सबके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है नर्सिंग मैनेजमेंट में, और वो होती है रिटर्न कंसल्ट लेना।
कोई भी अगर सर्जिकल प्रोसीजर हो रहा है तो वहाँ पे तो रिटर्न कंसर्न बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि उसमें जो रिटर्न कंसर्न होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें रिटर्न रूप में लिखी होती हैं, और उसमें जो पेशेंट होता है उनके गार्जियन होते हैं उनकी साइन भी रहती है। वो इस बात का प्रूफ होता है कि जो सर्जरी परफॉर्म हो रही है वो उसमें पेशेंट की और उनके गार्जियन की पूरी सहमति है। जो पेशेंट फाइल होती है उसमें हम पेशेंट से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे अगर उसकी कोई हिस्टोलॉजिकल जाँचें हुई हैं या फिर कोई उसका USG हुआ है या अदर कोई जाँच हुई है, तो उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इन सबको हम पेशेंट फाइल में लगा के जो ऑपरेशन थिएटर रूम होता है वहाँ पे रखते हैं। तो ये सारी प्रिपरेशन हम ऑपरेशन के पहले ही कर लेते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है प्री ऑपरेटिव नर्सिंग मैनेजमेंट। अब हम देखेंगे पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग मैनेजमेंट। देखिए पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करते हैं कि सबसे पहले जैसे ही पेशेंट की सर्जरी परफॉर्म हो जाती है तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट का वाइटल चेक करते हैं। वाइटल में हमने आपको बताया कि क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं। उसके बाद पेशेंट को उसके वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। पेशेंट को वार्ड में शिफ्ट करने के बाद पेशेंट को एक कंफर्टेबल पोजिशन प्रोवाइड करती है, और पोजिशन प्रोवाइड करने के बाद हम एवरी 4 आवर में जो पेशेंट की पोजीशन है उसको चेंज भी करते रहते हैं। क्यों चेंज करते रहते हैं? अगर पेशेंट कंटिन्यूअस एक ही पोजीशन में रहेगा तो मे बी उसको बेड सोर होने के चांसेस रहेंगे, तो बेड सोर से प्रिवेंट करने के लिए हम एवरी 4 आवर में जो पेशेंट की पोजीशनिंग होती है उसको चेंज करते रहते हैं। उसके बाद पेशेंट को जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है मेडिकेशन वो हम इमिडिएटली स्टार्ट कर देंगे। मीन्स अगर IV फ्लूड वहाँ पर प्रिस्क्राइब किया गया, जो भी IV फ्लूड प्रिस्क्राइब किया गया वो हम इमिडिएटली स्टार्ट कर देंगे, और अगर कोई मेडिकेशन कोई टैबलेट मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई है तो वो हम देंगे। जैसे अगर कोई एनाल्जेसिक दी गई है या एंटीमेटिक मेडिसिन है या फिर एंटीबायोटिक मेडिसिन है तो वो हम पेशेंट को देंगे। पेशेंट जब ऑपरेशन थिएटर से जब पेशेंट की सर्जरी परफॉर्म हो जाती है उस समय तो हम वाइटल चेक करते ही हैं, लेकिन जब सर्जरी परफॉर्म होने के 1 आवर कंप्लीट हो जाते हैं तो उस समय फिर से हम दोबारा वाइटल चेक करते हैं। इससे हम देखते हैं कि जो पेशेंट का वाइटल है वो स्टेबल हुआ है या नहीं। अगर वाइटल स्टेबल है तब तो ठीक है, अगर स्टेबल नहीं है तो फिर हम जो डॉक्टर्स होते हैं उनको इन्फॉर्म करते हैं। आफ्टर देन एवरी 6 आवर में जो पेशेंट की सर्जरी हुई रहती है जिस एरिए में उसको उसकी हम ड्रेसिंग करते हैं। ड्रेसिंग के लिए हम टोटली जो एंटीसेप्टिक टेक्निक होती है उसका यूज करते हैं, और जो भी हम इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं वो सारे स्टराइल होने चाहिए। जैसे जब हम ड्रेसिंग के लिए जा रहे हैं तो हमारे पास एक ट्रे कंटेनिंग होना चाहिए, और उस ट्रे में हमारे पास स्टराइल ग्लव्स होने चाहिए, मास्क होना चाहिए, स्पंज होल्डर होना चाहिए, कॉटन पीस होना चाहिए, कॉटन बॉल होना चाहिए, किडनी ट्रे होना चाहिए, और इन सबके साथ साथ एक बीटाडीन सॉल्यूशन भी होना चाहिए उस एरिया को क्लीन करने के लिए जहाँ पे सर्जरी परफॉर्म हुई है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, और जब भी हम ड्रेसिंग करेंगे ड्रेसिंग करने से पहले और ड्रेसिंग करने के बाद हैंड वॉशिंग जरूर करेंगे। उसके बाद जब पेशेंट की सर्जरी के 6 to 8 आवर हो जाते हैं तो फिर जब वो ओरली कुछ डाइट लेने लगता है तो इसमें सबसे पहले हम पेशेंट को लिक्विड डाइट देते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे ही पेशेंट को डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया कि वो अब कुछ खा पी सकता है तो तुरंत हमने उसको सॉलिड डाइट दे दिया, ऐसा नहीं, क्योंकि इससे डाइजेशन में उसको दिक्कत होगी, क्योंकि अभी उसकी सर्जरी होके आई है। अगर अभी वो सॉलिड डाइट लेने लगेगा तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उनको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो सर्जरी परफॉर्म हुई है उस पर भी अफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए हम पेशेंट को स्टार्टिंग में लिक्विड डाइट देंगे या फिर प्लेंटी फ्रूट देंगे। आफ्टर देन हम सेमी सॉलिड लिक्विड डाइट देंगे, और उसके बाद फिर हम सॉलिड डाइट होती है वो दे सकते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप देंगे। जब भी हम पेशेंट का वाइटल साइन चेक करेंगे या फिर जो मेडिकेशन देंगे उन सबको रिकॉर्ड में नोट करेंगे, क्योंकि एक नर्स की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कोई भी अगर वो प्रोसीजर कर रही है, अगर कोई भी पेशेंट को मेडिसिन दे रही है या फिर ड्रेसिंग कर रही है, तो इन सब का डॉक्यूमेंटेशन करे, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। लास्ट में ये नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी उसने प्रोसीजर परफॉर्म किया है उसका वो पूरी तरह से डॉक्यूमेंटेशन करे। ये सारी चीज़ें हम करते हैं पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग मैनेजमेंट में। तो यहाँ पे हमने देखा जो टॉपिक प्रेगनेंसी से रिलेटेड मैनेजमेंट होता है उसके बारे में, जिसमें सर्जिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में हमने देखा प्री ऑपरेटिव नर्सिंग मैनेजमेंट एंड पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग मैनेजमेंट। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। Thank you.